फरीदाबाद में ऑटो में गोमांस ले जाने के शक में ऑटो चालक के साथ मारपीट के मामले में फरीदाबाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के नाम रामकिशोर, दिलीप और लखन। पुलिस के मुताबिक दिलीप और लखन सगे भाई हैं। रामकिशोर ने झगड़ा शुरू किया था, वहीं बाकी आरोपियों को भी पुलिस तलाश कर रही है। आपको बता दें कि शनिवार को फरीदाबाद में गोमांस के शक में एक ऑटो चालक और उसके दोस्तों की कथित गौरक्षकों ने पिटाई कर दी थी। इतना ही नहीं, गौरक्षकों ने ऑटो वाले को भारत माता की जय और हनुमान की जय बोलने के लिए भी कहा और ना बोलने पर उसे पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। घटना फरीदाबाद के बाजड़ी गांव की बताई जा रही है। पीड़ित की माने तो वह अपने साथी की मीट की दुकान के लिए अपने ऑटो में भैंस का मीट रख कर ले जा रहा था। इस दौरान उसका एक और साथी ऑटो में बैठा था, लेकिन जैसे ही वह फरीदाबाद के बाजड़ी गांव के नजदीक पहुंचे तभी पीछे से आई एक कार में सवार कुछ युवकों ने उससे मारपीट शुरू कर दी। आरोपी के कुछ पुलिस वाले भी घटना के समय वहां मौजूद थे। कथित गौरक्षकों की ये गुंडागर्दी एक वीडियो में रिकॉर्ड हो गई है। पिटाई के बाद घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पीड़ित ऑटो चालक आजाद विकलांग है और ऑटो चलाकर अपना घर चलाता है।